स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्लास नाइन्थ मैथ साइंस ग्रुप और चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट करना है, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलास। सबसे पहले हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ है। जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं वेरिएबल्स के दरमियान, जैसा कि अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं उनमें, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है, तो उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसमें हम देख सकते हैं कि इसकी एग्जांपल ये भी है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस इक्वेशन को, ये तो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, लेकिन ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसकी दूसरी एग्जांपल के साथ देखिए, 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ x, ये भी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दरअसल हमारे पास किसी टर्म्स, यानी दो हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स हैं, उनको हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो जो इक्वेशन या एक्सप्रेशन बनता है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम व्हेन ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर अप्लाइड टू अलजेब्रिक टर्म्स वी ऑब्टेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेंगे, इस तरह के एग्जांपल हमने दिए हैं, तो ये हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स, हमारे पास आगे पॉलीनोमियल भी आते हैं, तो दरअसल पॉलीनोमियल भी हमारे पास जो हैं वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं। तो अब हम इसके इससे आगे इसी चैप्टर में आगे हमारे पास आता है पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल क्या है स्टूडेंट्स? पॉलीनोमियल हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, और जिसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन, और ए एन एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन, वेयर ए एन नॉट इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स, पॉलीनोमियल में हमने ये याद रखना है कि हमारे पास जो एक्स की पावर होगी वो होल नंबर होगी, होल नंबर में होगी, यानी 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। और इसमें जो पहले टर्म्स होगी, पहले एक्स की पावर हमारे पास n है, n हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट दी गई है, ये कोई इन सब नंबर यानी n, n माइनस वन, n माइनस टू, इन सब में से n बड़ा है, हाईएस्ट है, और ये नॉन नेगेटिव है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि वेयर n इज हाईएस्ट पावर ऑफ x एंड n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। जो किसी भी पॉलीनोमियल की जो डिग्री है वो उसके x की, यानी वेरिएबल x की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम उसकी डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, n है, तो इसलिए हम इसकी डिग्री को कहेंगे कि इसकी डिग्री कितनी है, n है। और अगर हमारे पास इस तरह के दो टर्म्स जो हैं, दो वेरिएबल जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे x पावर 2 x y पावर 3, दोनों पावर्स ऐड कर दें 3 प्लस 2, तो हमारे पास इसकी डिग्री कितनी आ गई, 5। इसी तरह हम अगर लिखते हैं कि x पावर 5 प्लस y, और हम लिख देते हैं x पावर 4 प्लस x पावर 3 तो इक्वल टू 0, या हम यहां तक के लिख देते हैं x पावर 5, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है, तो हम इसकी डिग्री को कहेंगे कि हमारे पास इसकी डिग्री कितनी है, 5 है। तो ये था पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल की पहचान में हम ये देखते हैं कि हमारे पास x की जो पावर है वो कोई होल नंबर होती है। अगर मेरे पास कोई इंटीजर माइनस वन आ जाए, माइनस वन ओवर टू आ जाए, स्क्वायर इस तरह की आएगी, तो फिर तब हम कहेंगे कि ये पॉलीनोमियल, क्वेश्चन में हम देखेंगे कि वो पॉलीनोमियल नहीं होगा। तो हमने बेसिक कंसेप्ट इसका ये याद रखना है कि हमारे पास पावर चल रही है इसकी, x की, x पावर n माइनस वन, ये कोई होल नंबर आ रहे हैं हमारे पास। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशन दरअसल हमने डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं।
तो रैशनल नंबर तो हमारे पास ये थे कि उनको लिखा जाता था पी ओवर क्यू में, पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता था, और क्यू नॉट इक्वल टू होता था हमारे पास जीरो। और हमारे पास हम कहते थे कि वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू, यानी इंटीजर होते थे। अब हम रैशनल एक्सप्रेशन को देखते हैं। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास एक्सप्रेशन कैसा होगा, पी पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इस तरह का, और इसमें ये दोनों क्या है, पी ऑफ एक्स भी पॉलीनोमियल है और क्यू ऑफ एक्स भी हमारे पास क्या है, पॉलीनोमियल है। क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी अगर हमारे पास ये जीरो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स हमारे पास नीचे जीरो हो जाता है तो हम इसे यानी अनडिफाइंड हो जाता है, हम ये सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम कहेंगे कि ये वाला हमारे पास पॉलीनोमियल, यानी पी ऑफ एक्स भी पॉलीनोमियल है, क्यू ऑफ एक्स भी पॉलीनोमियल है। तो इस तरह का एक्सप्रेशन हम हमारे पास होगा वो होगा रैशनल एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स हमने देखा है कि ये भी पॉलीनोमियल है और ये भी पॉलीनोमियल है, तो जब ये इसे पी ऑफ एक्स को हम नॉमिनेटर कहेंगे और ये क्यू ऑफ एक्स हमारे पास डिनोमिनेटर है। जब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारे पास पॉलीनोमियल होंगे तो हम कहेंगे कि इस तरह का एक्सप्रेशन जो होगा हमारे पास वो होगा रैशनल एक्सप्रेशन। अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ, देखें 2x, x की पावर क्या है 1 और यहां पे x की पावर तो 0 होगी, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक पॉलीनोमियल है। इसको डिवाइड किया है, नॉमिनेटर हमारे पास 3x + 8 है, तो 3x + 8 ये भी एक हमारे पास पॉलीनोमियल है, यानी इसकी डिग्री क्या है यहां पे 1 और इसकी डिग्री भी क्या है 1, तो ये 1 भी एक हमारे पास होल नंबर में से है, तो पॉलीनोमियल की पहचान ये मैंने उधर पहले भी आपको पढ़ाया है कि हमारे पास इसमें x की पावर में हमारे पास होल नंबर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है जो जिसे हम कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। अब रैशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, रैशनल एक्सप्रेशन जो है लोएस्ट फॉर्म में क्या होगा, तो स्टूडेंट्स अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है और नीचे हमारे पास है एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट्स हम किसको देखते हैं, यहां पे हम इसका स्क्वायर ले सकते हैं, इसको अगर हम देखें तो हमारे पास x माइनस 1 और x प्लस 1 लिख सकते हैं बाय द फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए इस फॉर्म को हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो फॉर्म है वो रैशनल एक्सप्रेशन की लोवेस्ट फॉर्म है, तो इसकी जो लोवेस्ट फॉर्म है जिसमें दोनों ना नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो हम इसको कहते हैं कि हमारे पास x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये जो दोनों पॉलीनोमियल हैं और इसमें इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन की लोवेस्ट फॉर्म है। अब अलजेब्रिक फार्मूलास, हम कुछ इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूलास देखते हैं जो इंतहाई जरूरी हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 और ओवरऑल मैथ में, चाहे 9th का हो 10th का हो फर्स्ट ईयर का हो सेकंड ईयर, सब में ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो आपने तैयार करने, तो उसके बाद हम मजीद आगे चले। हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको देखें ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, नंबर टू ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, नंबर थ्री ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, नंबर फोर ए प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला से इसके बाद हम लिखते हैं दो कुछ और फॉर्मूले भी लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये इक्वल होगा एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई
और प्लस वाई स्क्वायर के। यहां पे मेरे पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये इक्वल होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गए हमारे पास चंद इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आगे यूज होंगे इसी 4.1 में। स्टूडेंट्स ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अब हम चलते हैं 4.1 और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। स्टूडेंट इसमें हमने बताना है कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हैं वो इनमें से कौन से पॉलीनोमियल हैं और कौन से पॉलीनोमियल नहीं हैं। तो हमने सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट देखा था कि हमारे पास जो पावर होनी चाहिए वो होनी चाहिए वॉल नंबर में से। इसका क्वेश्चन 1.1 इसमें देखें हमारे पास यहाँ पे अगर इसको मैं लिखूँ तो एक्स की पावर जब ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास देखें वो कहता है कि इनमें से ये बताना है कि ये हैं पॉलीनोमियल या नहीं है, ये यस और नो बताना है। तो ये वाली जो चीज है हमारे पास वो नंबर नहीं है लिहाजा ये पॉलीनोमियल नहीं है, तो हम लिखेंगे नो। इसमें देखें हमारे पास यहाँ पे तो x की पावर 3 है 4x स्क्वायर x इनटू x स्क्वायर रूट के अंदर x है। इट मींस कि यहाँ पे x की पावर क्या है हमारे पास x की पावर 1/2। तो ये वाली चीज जो है हमारे पास वो नंबर नहीं है, इट मीन्स कि हम कहेंगे कि ये भी हमारे पास नहीं है पॉलीनोमियल नहीं है। इसमें देखते हैं पहली पावर हमारे पास 3 है और दूसरी पावर हमारे पास 1 है, तो ये भी पहली पावर वो नंबर दूसरी पावर वो नंबर इधर तो एक्स की पावर 0 ही होगी, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास पॉलीनोमियल इक्वेशन है। इसमें देखें 3x/2x-1 तो ये तो इसकी फॉर्म भी देखें ये कोई अलग रैशनल एक्सप्रेशन की तरह बन रहा है, तो ये हम कहेंगे कि ये वाली चीज जो है ना ये भी हमारे पास पॉलीनोमियल नहीं है, क्योंकि इसे आप ऊपर भी लिखेंगे तब भी ये पॉलीनोमियल की फॉर्म नहीं जा रही, तो हम कहेंगे कि ये भी हमारे पास पॉलीनोमियल नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 4.1। स्टूडेंट्स हमारे पास दो क्वेश्चन है और इसमें हमें बताना है कि ये आया कि हमारे पास जो दो क्वेश्चन हैं इक्वेशंस लिखी हुई हैं इनमें ये पॉलीनोमियल ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो रैशनल एक्सप्रेशन में हमने ये पढ़ा था कि यहाँ भी पॉलीनोमियल होना चाहिए और यहाँ भी पॉलीनोमियल होना चाहिए, एक्स की डिग्री यहाँ भी वो नंबर होनी चाहिए और यहाँ भी एक्स की पावर, यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 है यहाँ पे भी 1/2 है, इट मीन्स कि ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है।
तो हम लिखेंगे दो, तो इसमें देखें x की पावर 3 x की पावर 2 है, तो ये तो कांस्टेंट आ गया इधर, तो यहां पे पॉलीनोमियल ये इसकी पावर वोल नंबर इसकी भी वोल नंबर है तो ये भी पॉलीनोमियल है, और ये भी हमारे पास देखें x की पावर 2 x की पावर 1 और यहां पे कांस्टेंट है तो ये भी पॉलीनोमियल है। इट मींस कि ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है। तो ये थी कुछ इसके रैशनल और इरेशनल रैशनल एक्सप्रेशन और पॉलीनोमियल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमने आज पढ़े हैं, या आगे हम साथ साथ यूज होते रहेंगे इसी चैप्टर में।